Head of Fixed Income at Algo Bulls. So let's start this webinar session. So हम bond समझने के पहले एक हम एक financial instrument समझेंगे जो सबको पता होगा यहाँ पर, जो है fixed deposit, जो bank से होती है. ठीक है, fixed deposit में ऐसा होता है कि for example मेरे पास 1 lakh rupees है, मैंने 1 lakh rupees bank को दिया, bank मुझे 6.5% ब्याज उस पर yearly देगी. ठीक है, तो उसमें ऑप्शन होता है मुझे कि जैसे मुझे 6 महीने में ब्याज चाहिए या नो इंटरेस्ट चाहिए या ईयरली इंटरेस्ट चाहिए, सो आई कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंगली. तो मुझे पता है कि मेरे 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे जो मैंने बैंक को दिए है एज अ फिक्स डिपॉजिट, उस पर मुझे 6.5% या 6% तो मिलने ही मिलने हैं. दैट इज फिक्स्ड, उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, उसमें कोई मार्केट का फ्लक्चुएशन नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मुझे उतना तो अमाउंट मुझे मिलना है फिक्स्ड. ठीक है, सो बॉन्ड मार्केट में भी जो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं जैसे कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हो गए, मार्केट लिंक डिबेंचर्स हो गए, या बॉन्ड्स हो गए, SGBs हो गए, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, रिजर्व बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, उसमें भी आपको फिक्स्ड इनकम होती है. 1% सेट होता है अलग अलग बॉन्ड के लिए, 1% सेट ऑलरेडी होता है कि ये 9% पे आपको मिलेगा, ये 7% पे मिलेगा, ये 12% पे मिलेगा, ये 11% पे मिलेगा वैसा. तो इसमें बॉन्ड मार्केट में सबसे पहली चीज ये है कि आपको फिक्स्ड इनकम मिलती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फिक्स्ड इनकम. ठीक है, कि आपको पता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट पे मुझे चाहे जो हो जाए मुझे 10% ब्याज मिलना है या मेरी इनकम बननी है 10% मेरे इन्वेस्टमेंट पे. सिंपल, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, सो व्हाट इज बॉन्ड मार्केट? बॉन्ड मार्केट है क्या? ठीक है, एक फाइनेंशियल मार्केट ही है, जैसे इक्विटी मार्केट सबको पता होगा कि शेयर मार्केट है, उसमें आप ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है या डिलीवरी बेस, मतलब आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी आप रखते हो. तो वैसा ही एक मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, जहाँ पर आइदर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन आते हैं एंड दे ट्रेड, मतलब बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं. फाइनेंशियल असेट्स इज नोन एज बॉन्ड्स, इंस्ट्रूमेंट वो ट्रेडेबल है और वो ट्रेड होते हैं. ठीक है, सो दिस आर द दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर टू मेक मनी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं फिक्स डिपॉजिट में 1 lakh rupees डालता हूँ जो 6.5% मैं कमा सकता हूँ, बॉन्ड में मैं कहीं ज्यादा कमाऊंगा उससे, 8%, 9%, 10%, डिपेंडिंग के अब मैं कौन सा बॉन्ड खरीदता हूँ या किस में भी इन्वेस्ट करता हूँ वैसा. ठीक है, तो ये बॉन्ड मार्केट किस में आता है? पहले तो सबसे बड़ा मार्केट है कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. ठीक है, दो टाइप के मार्केट है. कैपिटल मार्केट में आते हैं डेट एंड इक्विटी मार्केट. ठीक है, इक्विटी मार्केट तो वो हो गया जो शेयर्स में ट्रेडिंग होती है, जैसे रिलायंस के शेयर्स हो गए, डीमार्ट के शेयर्स हो गए या IIFL सिक्योरिटीज के शेयर्स हो गए, कौन से भी शेयर्स जो आप अपने डीमार्ट अकाउंट से, आर मनी के अकाउंट से आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, वो हो गया, वो इक्विटी मार्केट है. अभी उसमें डेट मार्केट है, कैपिटल मार्केट में दूसरा पार्ट है डेट मार्केट. सो डेट मार्केट इज ये बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, वो सारे डेट मार्केट में फॉल होते हैं. सो बॉन्ड मार्केट फॉल अंडर डेट, राइट? सो बॉन्ड्स फॉल अंडर डेट सेगमेंट. ठीक है, अभी बॉन्ड्स डेट सेगमेंट में तो आ गए. अभी बॉन्ड्स खरीदने के या उसको इश्यू करना है वो कैसे करेंगे, कौन कर सकता है, वो सारी चीजें हम समझेंगे. बट ओवरऑल ब्रीफ में आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ. ठीक है, बॉन्ड में दो चीज होती है, पहले प्राइमरी इशू होता है एंड सेकेंडरी इशू भी होता है. अभी प्राइमरी इशू कैसे होता है, जैसे कि IPO शेयर्स में कैसे IPO होते हैं, जैसे कि Zomato का IPO निकला था, Nykaa का IPO निकला था, Paytm का IPO निकला था, राइट? तो वैसे ही बॉन्ड्स के भी ऑफरिंग्स होते हैं इनिशियल्स. ठीक है, पब्लिक ऑफरिंग्स होते हैं. एंड सेकेंडरी मार्केट में एक बार वो बॉन्ड लिस्ट हो जाता है एक्सचेंज पे, उसके बाद उसका वो सेकेंडरी मार्केट में आके उसका ट्रेडिंग चालू हो जाता है. ठीक है, लाइक बाय सेल चालू हो जाता है. अभी ये करने के लिए सेटलमेंट बॉडीज कौन सी है बॉन्ड मार्केट में, वो समझते हैं. तो देर आर टू सेटलमेंट बॉडीज, विच इज ICCL एंड NACCL. ठीक है, ICCL इज गवर्न बाय BSE, NACCL इज गवर्न बाय NSE. तो ये क्लियरिंग हाउसेस है जहां पर, फॉर एग्जांपल, अगर धनंजय एक बॉन्ड बाय करता है एल्गो बुल से, तो धनंजय एल्गो बुल्स को पैसे नहीं देगा, धनंजय पैसे देगा ICCL को
एंड एल्गो बुल्स भी बॉन्ड देगा आईसीसीएल को एंड आईसीसीएल वो सेटलमेंट करेगी, मुझे धनंजय को बॉन्ड्स मिल जाएंगे एंड एल्गो बुल्स को पैसे मिल जाएंगे अकॉर्डिंगली। सो ये इसलिए हुआ है कि जो भी इन्वेस्टर्स है उनके पैसे सेफ रहे, सिक्योरिटी के तौर पे वैसा है। सो दिस इज व्हाई क्लियरिंग हाउसेस कम इनटू प्ले। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड मार्केट एंड ओवरऑल प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो अभी लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है, कि इंडियन डेट मार्केट कैसे क्लासिफाई हुआ है। ठीक है, सो इंडियन डेट मार्केट क्लासिफाइज इनटू टू पार्ट। पहला तो है जीसेक सेगमेंट, जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेगमेंट, दूसरा है कॉर्पोरेट सेगमेंट। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट का है और एक कैटेगरी कॉर्पोरेट का है। गवर्नमेंट के कैटेगरीज में आते हैं सोवरेन इशू, दैट इज मींस बाय गवर्नमेंट इशूड है, और उसमें आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि आरबीआई, आरबीआई ने जो बॉन्ड्स इशू किए वो स्टेट गवर्नमेंट में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ने इशू किए हैं बॉन्ड्स, वो है जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, यूपी गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल पेपर्स, मल्टीपल बॉन्ड्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, मल्टीपल बॉन्ड्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। ठीक है, उसमें अगेन उसमें कैटेगरी ये आ जाती है कि क्या क्या इशू होते हैं, जैसे कि जीसेक होते हैं, जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, वो होते हैं बॉन्ड्स। ट्रेजरी बिल्स होते हैं, सो ट्रेजरी बिल्स का मतलब ये होता है कि उनकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 364 डेज की होती है, 365 डेज की होती है, वो 12 महीने, 9 महीने, 6 मंथली, 3 मंथली के होते हैं। अगेन दोज बिल्स आर ट्रेडेबल, वो आपको उस पर भी इंटरेस्ट उतना ही मतलब मिलता है जितना जीसेक पे मिलता है, बट शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के लिए होता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स ऐसी होती है कि कुछ कुछ स्टेट्स कुछ डेवलप इंफ्रा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होता है, तो वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड बॉन्ड इशू करते हैं। ठीक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश कैपिटल डेवलपमेंट रीजन करके है एक बॉन्ड जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इशू किया है। ठीक है, सो वैसे ही स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी ऐसे होती है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए उन लोग बॉन्ड इशू करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जीसेक सेगमेंट का आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डेट मार्केट। नाउ लेट्स गो टू कॉर्पोरेट सेगमेंट। तो कॉर्पोरेट सेगमेंट में दो आता है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर एंड देन प्राइवेट सेक्टर। अगेन पब्लिक एंड प्राइवेट में जितना ज्यादा फर्क नहीं, सो आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड वन थिंग। पब्लिक सेक्टर में पीएसयू होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट होते हैं। पब्लिक सेक्टर में कमर्शियल बैंक्स होते हैं एंड प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट बैंक्स लाइक एचडीएफसी हो गया या आईसीएसई हो गया, वो सारे कमर्शियल में। ठीक है, एनसीडीज वो क्या इशू करते हैं, एनसीडी दैट मीन्स नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं और कमर्शियल पेपर्स होते हैं। ठीक है, अगेन सेम थिंग कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में इशुएंस ऑफ पेपर्स आर सिमिलर, एनसीडीज होता है, कमर्शियल पेपर्स होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर इंडियन डेट मार्केट स्ट्रक्चर हैज बीन डिजाइन ओवरऑल। सो लेट्स अंडरस्टैंड हु कैन इश्यू बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड कौन इशू कर सकता है, जैसे कि मैं और आप तो इशू नहीं कर पाएंगे, राइट? सो यू नीड टू बी एन एंटिटी। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट एंटिटी हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के लिए हो सकता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू यूनिट्स कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कर सकती है। ठीक है, प्राइवेट में कैसे कॉपरेट कर सकती है, जैसे कि कोई रिलायंस ने कर दिया है, कोई टाटा मोटर के भी बॉन्ड्स आते हैं, बैंक्स में एचडीएफसी के भी आते हैं। ठीक है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी होते हैं, जैसे कि इंडिया बुल्स हो गया। ठीक है, सो वगैरह वगैरह एग्जाम्पल्स, दिस आर जस्ट एन एग्जाम्पल्स। सो दिस आर द एंटिटीज हु कैन इशू द बॉन्ड। ठीक है, सो नेक्स्ट वील सी के इसमें बॉन्ड तो इशू कर लिया, स्टेक होल्डर्स कौन है बॉन्ड मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल पार्टीज इन्वॉल्व इन बॉन्ड ट्रांजेक्शन या बॉन्ड मार्केट यू कैन से, जैसे कि NIS नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जैसे कि आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, HNI क्लाइंट्स होते हैं, हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स होते हैं, फैमिली ऑफिसेस होती है। ठीक है, जो एक इन्वेस्टर्स है जो इन्वेस्ट करते हैं ये सारे बॉन्ड्स में, या चाहे वो कॉर्पोरेट हो, गवर्नमेंट हो, NBFC हो, बैंक्स हो, PSU हो, कोई भी एंटिटी हो जिसने बॉन्ड इशू किया है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो एक साथ बड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, एंड द कॉर्पोरेट्स जो बॉन्ड इशू करते हैं। सो मोटा मोटी दिस आर द स्टेक होल्डर्स इन बॉन्ड मार्केट्स, जिससे बॉन्ड मार्केट पूरा चलता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि दिस आर द ओनली बायर्स एंड सेलर्स इन बॉन्ड मार्केट।
सो व्हाट वाज द मतलब ये बॉन्ड्स क्यों निकाले, व्हाट वाज द अंडरलाइंग पर्पस फॉर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सो इस ये इसके इस यू नो जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था, आई हैव 1 लाख रुपीज विथ मी जो मुझे इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं गया बैंक के पास, बैंक ने बोला ठीक है एफडी कर दो आप 3 साल के लिए एंड आपको मैं 6.5% का इंटरेस्ट एवरी ईयर दूंगा। ठीक है, मैंने उधर एफडी कर दी, मुझे मिल गए 6.5%। अभी वही 1 लाख रुपीज, सो सॉरी, वही 1 लाख रुपीज बॉन्ड जो जो बैंक को मिले हैं 1 लाख रुपीज फ्रॉम धनंजय, वो किसी कॉर्पोरेट को देंगे एट अ हायर इंटरेस्ट रेट, लोन देंगे या कॉर्पोरेट को दे या किसी और इंडिविजुअल को दे या एंटिटी को दे, लोन लोन के तौर पे वो 12%, 11%, 10% पे लोन देंगे। ठीक है, मुझे मिल रहा है 6.5 बट बैंक को मिल रहा है 10-11%, तो बीच का जो 4-4.5% का गैप है, ठीक है, वो गैप को रिड्यूस करने के लिए दिस वॉज इंट्रोड्यूस, एज वेल एज मार्केट में इनफ्लो ज्यादा बढ़े, ठीक है, उसके वजह से। राइट, सो ये एक एग्जाम्पल दिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पर्पस क्या था। असिस्ट इन राइजिंग सिग्निफिकेंट कैपिटल टू फुलफिल बिजनेस रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, मैं एक एंटिटी हूँ, ठीक है, मुझे मेरे बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए या एक्सपांशन के लिए या फॉर एनी अदर पर्पस आई रिक्वायर कैपिटल। कैपिटल तो लगेगा, पैसा तो लगेगा बिजनेस रन करने के लिए, करेक्ट। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? आइदर यू विल बोरो फ्रॉम, अगर आपको आइदर आप इक्विटी डाइल्यूट करोगे, ठीक है, स्टेक बेचोगे या शेयर्स बेचोगे, आइदर बैंक से लोन ले लोगे एट अ कॉस्ट, ठीक है, वो कॉस्ट लगेगा आपको, या तो आप ऐसे बॉन्ड इशू कर सकते हो जहां पर कॉस्ट इज वेरी मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में था कि बैंक ने कॉर्पोरेट को 11% पे दिया था, बट मैं डायरेक्टली ही क्लाइंट को जो इन्वेस्टर है उसी को मैं डायरेक्टली 8% दू, ठीक है, तो मेरा कॉस्ट 3% से एज अ कॉर्पोरेट मेरा कॉस्ट 3% से कम हुआ। एट द सेम टाइम जो धनंजय को मिल रहा था 6.5% फ्रॉम द बैंक, ही इज गेटिंग 8% फ्रॉम, सो विन विन सिचुएशन हो गया सबके लिए। ठीक है, इसमें अगर मैं बॉन्ड इश्यू करता हूँ तो मुझे इक्विटी भी डायल्यूट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरे पास स्टेक है 51% तो आई डोंट हैव टू डायल्यूट, मुझे 45% करके 5-6% मैंने बेच दिया जस्ट टू रेज कैपिटल, वो भी नहीं करना पड़ेगा मुझे। राइट, सो दिस वॉज द अंडरलाइंग पर्पज ऑफ बॉन्ड के आप कॉस्ट रिड्यूस करो। कैपिटल अगर रेज कर रहे हो, ठीक है, उसका कॉस्ट रिड्यूस होना चाहिए एज वेल एज इक्विटी डायल्यूट नहीं होनी चाहिए। सो दिस वॉज अ विन विन फॉर एवरी वन, सो दैट इज द रीजन बॉन्ड पर इंट्रोड्यूस। नाउ वॉट एग्जैक्टली आर बॉन्ड, मतलब बॉन्ड्स है क्या? सो बॉन्ड इज टाइप ऑफ सिक्योरिटी, जैसे कि शेयर्स हो गए, शेयर्स इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी यू कैन से। बॉन्ड भी ऐसे ही है कि वो डेट सिक्योरिटी है इशूड बाई एंटिटी, आइदर वो कॉर्पोरेट हो सकती है या गवर्नमेंट हो सकती है, उन्होंने बॉन्ड इशू किए हैं जस्ट टू रेस कैपिटल। राइट, कैपिटल रेस करने के लिए बॉन्ड इशू करते हैं, एक्सचेंज में वो फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप मुझे 1 लाख रुपीज दो, 1 लाख रुपीज का एक बॉन्ड है एंड आई विल गिव यू 8% रिटर्न पर एनम। ठीक है, 8% का तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, बट वो इंटरेस्ट मैं आपको सेमी एनुअली दूंगा, 4% 1 6 मंथ में, 4% नेक्स्ट 6 मंथ्स में। सो यू गेट इंटरेस्ट एवरी, आई मीन सेमी एनुअली, 6-6 महीने में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली। एंड ऑल्सो वट एवर बॉन्ड यू बाय, ठीक है, आप कोई भी बॉन्ड बाय करते हो तो वो आपके डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, आपके आर मनी के डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएंगे थ्रू आईसीसी, लाइक दैट। ठीक है, सो अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अभी डेट इशूअर, इशूअर कौन है, मतलब जो बोरो कर रहे हैं पैसे, राइट, जिसको पैसे की जरूरत है, ठीक है, और वो उस पर इंटरेस्ट दे रहा है इन्वेस्टर को, ठीक है, मतलब वो लैंडर को। फॉर एग्जाम्पल धनंजय के पास 1 लाख रुपीज है, तो धनंजय इज एन लैंडर एंड टाटा टाटा का कंपनी है, टाटा मोटर्स गिन लो, कोई भी गिन लो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, वो हो गए आपके बोरोवर। टाटा ग्रुप को पैसे चाहिए, धनंजय के को इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो एक्सचेंज कर लिया, तो धनंजय विल बी अ लेंडर एंड टाटा ग्रुप विल बी अ बोरोवर। वो आपको प्रॉमिस करता है कि ये आपने 1 लाख रुपीज दिया है, ठीक है, वो आपको मैच्योरिटी पे फुल वापस मिलेगा, प्लस मैच्योरिटी तक आपको फिक्स 8% का रिटर्न भी आपको मिलेगा। राइट, सो जो प्रिंसिपल अमाउंट है
दैट इज बाय, मतलब वो गारंटीड कि आपको वापस आना है, ठीक है, 1 लाख तो आपको मैच्योरिटी पे वापस मिलेगा है, प्लस कूपन रेट जो है 8% का, वो फिक्स्ड इंटरेस्ट के पेमेंट के रूप में आपको एवरी इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आपके बैंक अकाउंट में आता जाएगा, एंड मैच्योरिटी पे तो आपको आपका प्रिंसिपल वापस मिलना ही मिलना है, राइट? सो दिस इज एन बॉन्ड, ठीक है। अभी इसमें आता है कि व्हाट मेक बॉन्ड अ रिलायबल चॉइस, मतलब आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट क्यों करेंगे, राइट? व्हाई यू शुड इन्वेस्ट, करेक्ट? सबसे पहला तो यह है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 1 CR रुपीज विथ मी विच आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट, 1 करोड़ रुपया है मेरे पास जो मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा? आई जस्ट गिव माई आइडियोलॉजी, इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट पीपल। तो 20% आई वुड पहले तो 60-40 करूंगा, ठीक है, 40% डेट एंड 60% इक्विटी, ठीक है। इक्विटी में भी मैं डिवाइड कर दूंगा कि जैसे कि मैंने थोड़े SIP में डाले, प्लस मिड कैप में डाले, कुछ ब्लू चिप स्टॉक में डाले, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किए। डेट में भी मैं ऐसा करूंगा कि कुछ हाई यील्ड बॉन्ड्स में डाले, कुछ फिक्स्ड में डाले, कुछ सिक्योर्ड में डाले, कुछ अनसिक्योर्ड में डाले। वाई? वेर इज इन रिस्क ज्यादा है वहां पर, बट एट द सेम टाइम रिटर्न्स भी ज्यादा है अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स में, राइट? सो वैसे आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। यहाँ पर बॉन्ड क्यों आपको जाना चाहिए, पहले तो स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इक्विटी में जैसे मैच्योरिटी नहीं होती, वो जब आप सेल करोगे तब होगा, वैसा है। बॉन्ड्स में मैच्योरिटी डेट होती है कि आप बॉन्ड, ये बॉन्ड है फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर है, कितने भी, आपको पता है ये डेट पे वो मैच्योर होना है, राइट? ऑन मैच्योरिटी आपको रीपेमेंट की प्रिंसिपल अमाउंट जो 1 लाख रुपीज या 1 CR रुपीज आपने इन्वेस्ट किए हैं, वो आपको रिटर्न भी आने हैं, ठीक है। प्लस रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट भी आपको बैंक अकाउंट में आना ही आना है, जैसे कि 8% टाटा मोटर्स के एग्जाम्पल में था, 8% आपको ये पेमेंट आपको इसमें आना ही है, विच इज फिक्स्ड, राइट? तो आपको पता है कि मुझे फिक्स्ड रिटर्न आना है, तो यू कैन प्लान योर फाइनेंशियल्स अकॉर्डिंगली। जैसे कि इक्विटी में कैसा होता है कि हाई रिटर्न्स हाई रिस्क भी होता है, वहां पर फिक्स नहीं होता है कि ये साल में मुझे रिलायंस का स्टॉक, ठीक है, मुझे रिलायंस का शेयर्स मुझे इतना रिटर्न देगा ही देगा, दैट इज फिक्स। वो ऐसा इक्विटी में नहीं होता, फिक्स नहीं होता, बट यहाँ पर फिक्स है कि 8%, 10%, 12% अ ईयर मुझे फिक्स मेरे बैंक अकाउंट में आना है ऑन माई इन्वेस्टमेंट, एंड विच इज ऑल्सो कि वो रीपेमेंट भी हो जाएगा इसका प्रिंसिपल अमाउंट का एट अ स्पेसिफिक मेच्योरिटी डेट, राइट? सो दिस आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉन्ड, वेर एज इन यू कैन गो विद इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स एंड डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, राइट? नाउ देर आर डिफरेंट टर्म्स, मतलब अलग अलग टर्म्स यूज होते हैं बॉन्ड मार्केट में, विच आर वेरी, आई मीन सम ऑफ देम आर विल बी वेरी न्यू टू सम, एंड बाकी तो आपने देखा ही होगा और पढ़ा ही होगा क्या होता है। पहला तो इश्यूअर है, विच इज वेरी सिंपल, जो बॉन्ड इश्यू करता है उसको इश्यूअर बोलते हैं। इट कैन बी गवर्नमेंट, इट कैन बी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट में बैंक हो सकती है, ये गवर्नमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, राइट? सो एनी वन हु इश्यूज बॉन्ड इज नोन एज इश्यूअर, ठीक है। नाउ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, अभी ये IM शॉर्ट फॉर्म में IM बोलते हैं, ये क्या है, ठीक है। जब कोई इश्यूअर बॉन्ड इशू करता है या फिर इशू मतलब IPO लाता है उसका, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट से या पब्लिक प्लेसमेंट से, वॉट एवर, वो एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करता है, ठीक है, विद द बॉन्ड इशू वो रिलीज करता है कि ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है। वो चाहे 10 पेज का हो, 15 पेज का हो, 20 पेज का हो, एवरी इश्यूअर हैज टू रिलीज दैट। अभी उसमें होता क्या है, इंफॉर्मेशन नाम से ही पता चलता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन ही होगी बॉन्ड की, राइट? तो उसमें इन्फॉर्मेशन ये होगी कि उसका कूपन कम, पहले तो कंपनी के बारे में बताएंगे कि इश्यूअर है अगर टाटा मोटर्स है तो टाटा मोटर्स क्या करती है, ठीक है, फंड रेस किया है तो क्यों किया है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, मतलब उसका प्रॉफिट क्या था लास्ट ईयर का, वो सारी चीजें भी उसमें बताएंगे। प्लस फिर बॉन्ड के बारे में उसका इंफॉर्मेशन आएगा कि रेटिंग क्या है बॉन्ड्स की, देन इज इट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, देन मतलब क्या कूपन रेट से है, ठीक है, उसका IPO फ्रीक्वेंसी क्या होगा कि कितने, मतलब क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट होगा या सेमी ईयरली या ईयरली होगा, ठीक है, कौन सी क्रेडिट एजेंसी ने उनको रेटिंग दिया है, डिबेंचर ट्रस्टी कौन है,
ठीक है, एंड एंड मैनी मोर अदर इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन मतलब ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको बॉन्ड के बारे में चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में दी जाती है, वो इश्यूअर ही पब्लिश करता है विद द हेल्प ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, ठीक है. नाउ थर्ड इज कूपन. सो कूपन रेट मतलब कूपन रेट ये होता है कि आपको इंटरेस्ट इतना मिलेगा, ठीक है. जैसे भी कोई भी इश्यूअर बॉन्ड इश्यू करता है, ठीक है, बॉन्ड या एनसीडी बोल लो, डिबेंचर्स बोल लो, कोई भी इशू होता है दैट कम्स विद एन कूपन रेट, ठीक है. सो देर आर मल्टीपल बॉन्ड्स विद जीरो कूपन रेट, वो कैपिटल गेन में आते हैं. तो कूपन रेट ये होता है कि जैसे कि 8% टाटा मोटर्स एक्सपायरी 2026, दैट मीन्स 8% उसका कूपन रेट है, दैट मीन्स आपको 8% ब्याज मिलेगा, 8% इंटरेस्ट मिलेगा ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है. अगर वो बोलता है कि सेमी एनुअली तो 6-6 महीने में आपको मिलेगा, या तो ईयरली है तो ईयरली 8% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है. सो कूपन रेट इज योर इंटरेस्ट पेमेंट रेट, टू बी ऑनेस्ट. नाउ क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस. ओके, सो क्लीन प्राइस इज वेरी सिंपल. क्लीन प्राइस इज द प्राइस मतलब मार्केट प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, अगर फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज 100 रुपीज, ठीक है, फेस वैल्यू उसका है 100 रुपीज, बट वो अभी ट्रेड कर रहा है 101 पे, ठीक है, तो उसकी क्लीन प्राइस होगी 101, ठीक है. इट इज वेरी सिंपल, मतलब मार्केट प्राइस इज नोन एज क्लीन प्राइस. अभी डर्टी प्राइस क्या होता है, ठीक है, तो डर्टी प्राइस इज क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट इज इक्वल टू डर्टी प्राइस, ठीक है. सो क्लीन प्राइस में अक्रूड इंटरेस्ट एड हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे डर्टी प्राइस. तो अभी अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट अक्रूड इंटरेस्ट ये होता है, मान लो कि 1 जनवरी 2023 को बॉन्ड इश्यू हुआ था, ठीक है, टाटा मोटर्स का बॉन्ड हुआ था, और 2 जनवरी को बाय कर लिया था, 1 जनवरी को ही बाय कर लिया था टाटा मोटर्स का शेयर. सो वो 3 साल की मैच्योरिटी पे था, बट और उसकी इंटरेस्ट पेमेंट थी ईयरली, मतलब नेक्स्ट मतलब 31 दिसंबर या 1 जनवरी के वापस मुझे इंटरेस्ट मेरे बैंक अकाउंट में आ जाता, ठीक है. बट टुडे इज सितंबर 20, ठीक है, अगर 20 सितंबर को धनंजय को 27 सितंबर को धनंजय को पैसे की जरूरत पड़ी, धनंजय ने वो सेल कर दिया आफ्टर नाइन मंथ्स, धनंजय को पैसे की जरूरत थी तो उसने सेल कर दिया. तो 9 मंथ्स तक तो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, तो 9 मंथ्स तक तो मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, करेक्ट. बट मुझे इश्यूअर तो इंटरेस्ट देगा दिसंबर में, करेक्ट, जो कंपनी है वो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देगी. तो जब मैं सेल करूंगा, ठीक है, तो मैं क्लीन प्राइस तो लूंगा ही लूंगा कि 101 का प्राइस चल रहा है मार्केट में, प्लस 9 महीने तक का जो अक्रूड इंटरेस्ट जमा हुआ है 9 महीने का, वो भी मैं बायर से लूंगा. वाई? बिकॉज एट द एंड बायर को जब वो होल्ड करेगा, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि इश्यूअर 31 या 1 जन को इंटरेस्ट पेमेंट देगा, तो उसके 30 दिसंबर को जिसके पास बॉन्ड है उसके पास पूरे साल का इंटरेस्ट पेमेंट उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, राइट. तो अगर मैं बायर हूं, ठीक है, आफ्टर 9 मंथ्स इफ आई एम बाइंग अ बॉन्ड फ्रॉम समवन, तो मुझे 9 महीने का इंटरेस्ट मुझे अभी देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जब 31 दिसंबर आएगा तो मुझे सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं आएगा, मुझे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा मेरे बैंक अकाउंट में, राइट. सो जो इंटरेस्ट अभी तक अक्रूड हुआ है 9 महीने का, दैट इज नोन एज अक्रूड इंटरेस्ट. आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन. सो डर्टी प्राइस इज क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है. तो अभी ये यील्ड क्या होता है, ठीक है. सो व्हाट इज यील्ड? यील्ड मींस आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स कितना है, राइट. सो फॉर एग्जांपल, यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज इन बॉन्ड्स, ओके, एंड करंटली मार्केट प्राइस उसका 101 चल रहा है, दैट मींस कि वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, राइट. तो मैं तो ज्यादा भर रहा हूँ, फेस वैल्यू इज 100 रुपीज, आई एम पेइंग 101, राइट, एट 8%. तो मेरा अगर मैं 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ और मैच्योरिटी तक होल्ड करता हूँ, ठीक है, एट 101 का इन्वेस्टमेंट, तो मेरा टोटल मेरा ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स क्या हो गया,
तो टोटल रिटर्न्स इज नोन एज यील्ड। कूपन इज कि आपको इतना इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगा, बट यील्ड इज कि मेरा रिटर्न्स कितना आया इन्वेस्टमेंट पे, कितना आएगा, दैट इज योर यील्ड। ओके, सो आईपी, नेक्स्ट इज आईपी फ्रीक्वेंसी। तो आईपी फ्रीक्वेंसी इज योर इंटरेस्ट पेमेंट फ्रीक्वेंसी। सो एवरी पेपर, मतलब हर एक पेपर, हर एक इश्यूअर, अलग अलग बॉन्ड का अलग अलग आईपी फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे कि जीओआई का सेमी एनुअली होता है, विच इज क्वाइट स्टैंडर्ड, कि एवरी 6 मंथ यू विल गेट पेमेंट इन योर बैंक अकाउंट। ओके, कुछ कॉर्पोरेट्स का ईयरली होता है, कुछ कॉर्पोरेट्स का मंथली पेमेंट भी होता है, कि एवरी मंथ आपको ब्याज मिलेगा। अगर 8% ईयरली है तो उसको 12 से डिवाइड करके उतना आपको ब्याज एवरी ईयर, एवरी मंथ आपको इंटरेस्ट पेमेंट क्रेडिट होगा इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है, अभी क्रेडिट रेटिंग एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है, आई'ल एक्सप्लेन दैट। तो हर एक बॉन्ड को क्रेडिट रेटिंग देते हैं ऑन द डिग्री ऑफ सेफ्टी एंड रिस्क, कि ये कंपनी में, ये इश्यूअर में रिस्क कितना है और सेफ्टी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका रेटिंग डिसाइड होता है। वो रेटिंग डिसाइड करते हैं क्रेडिट एजेंसीज हु आर ऑथोराइज, जो ऑथोराइज होती है आपके बॉन्ड्स को रेटिंग देने के लिए। सो देर आर मल्टीपल क्राइटेरियाज कि वो सिक्योर्ड है नहीं है, रीपेमेंट कैसा है, इश्यूअर का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, कि कोलेटरल है अगेंस्ट दिस बॉन्ड या नहीं है, या देर आर मल्टीपल डिग्रीज के, मतलब वो सेफ्टी क्या है, रीपेमेंट में कभी डिफॉल्ट किया है नहीं किया है। सो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच क्रेडिट एजेंसीज गो थ्रू एंड वर्क टुगेदर विद इशुअर एंड देन डिसाइड कि ये पेपर, ये बॉन्ड का है, ये डिबेंचर का, ये रेटिंग निकल के आता है। इज इट AA, AAA, BBB, CCC, सी है, डी है, क्या क्या कैटेगरी है, ऐसा। ठीक है, नाउ डिबेंचर ट्रस्टी। ये डिबेंचर ट्रस्टी क्या होते हैं? ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इश्यूअर है टाटा मोटर्स, ठीक है, बायर है धनंजय पटेल, ठीक है, और उस उनके बीच में एक ट्रस्टीशिप होती है, एक एंटिटी होती है या एक कंपनी बोल लो, ठीक है, वो होता है डिबेंचर ट्रस्टीशिप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स ने एक बॉन्ड इशू किया था जो धनंजय ने बाय किया था 8% पे, विच वॉज सिक्योर, मतलब उसका कोलेटरल था। ठीक है, जैसे कि अगर टाटा मोटर डिफॉल्ट करता है तो वो प्रॉपर्टी हो या कोई कोलेटरल हो उसके अगेंस्ट सिक्योर्ड इशू किए थे, दैट मीन्स के धनंजय के 1 लाख रुपीज डूबेंगे नहीं, वो वापस उसको मिल जाएंगे आफ्टर सेलिंग ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो वो प्रॉपर्टी कहाँ होती है? डिबेंचर ट्रस्टीशिप के पास होती है। ठीक है, तो ये एंटिटी वो रखती है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है, कि उनका रीपेमेंट टाइम टू टाइम हो जाए इन केस के टाटा मोटर्स डिफॉल्ट करे तो। ठीक है, सो वो डिबेंचर ट्रस्टीशिप उसके लिए होता है। नाउ कैश फ्लो, कैश फ्लो क्या होता है? ठीक है, सो कैश फ्लो इज समथिंग आपको वो टाइमली बेसिस पे बताएगा कि ये डेट पे, ये टाइम पे आपके पास कितना पैसा आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने इन्वेस्ट किया 22 सितंबर को, देन अगर ईयरली ईयरली इंटरेस्ट फ्रीक्वेंसी है ये टाटा मोटर्स के पेपर की, तो वो एवरी ईयर मुझे कितना अमाउंट मेरे इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा और कब कब मिलेगा, क्या डेट पे मिलेगा, एंड एट द एंड मैच्योरिटी पे मुझे कितना मिलेगा, मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू भी मिलेगी प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा, राइट। सो कैश फ्लो ये बताता है कि आपके पास कैश कितना इनफ्लो होने वाला है और कौन सी डेट पे होने वाला है, एज वो इंटरेस्ट होने वाला है या आपका फेस वैल्यू मतलब प्रिंसिपल अमाउंट होने वाला है। ठीक है, सो दीज आर द मेनली यूज टर्म्स इन बॉन्ड मार्केट टू डील इन बॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट वी विल सी कि क्रेडिट रेटिंग कैसे होता है। अगर डबल ए है तो उसका क्या है, ट्रिपल है तो क्या है, डी है तो क्या है। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग इज अ न्यूमेरिकल इवेल्यूएशन ऑफ द ओवरऑल क्रेडिट वर्थनेस। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स को यू नो कैलकुलेट करके डिसाइड करती है कि व्हाट विल बी द रेटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर, मतलब ये बॉन्ड का क्या रेटिंग होगा। जैसे कि अगर किसी बॉन्ड का ट्रिपल ए रेटिंग है, मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री सेफ्टी है प्लस रिस्क भी लो है, क्रेडिट रिस्क लो है। ठीक है, AA, AA+, AA- की लो क्रेडिट रिस्क है, मतलब वेरी लो प्लीज। और ए में आ जाओ तो उसमें एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी, थोड़ा
सेफ्टी नेगोशिएट होता है एंड लोअर क्रेडिट रिस्क भी होता है, ठीक है, मॉडरेट रिस्क। तो जैसे ही दो ट्रिपल ए इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी एंड लो रिस्क, ठीक है, इसके ऊपर सोवरेन सोवरेन रेटेड आते हैं विच आर सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूड बॉन्ड्स, मतलब जो गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू किए आरबीआई से, मतलब क्योंकि गवर्नमेंट के डिफॉल्ट करने के चांसेस तो बहुत ही कम है, ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज सोवरेन रेटेड, राइट। तो ये ट्रिपल ए इज द हाईएस्ट रेटेड फॉर एनी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। फिर उसके नीचे आते हैं डबल है ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी सी डी, सारे बॉन्ड्स आते हैं रेटेड। डी में ऐसा है कि इश्यूअर ने डिफॉल्ट इन डिफॉल्ट और एक्सपेक्टेड टू बी डिफॉल्ट सून, या तो वो डिफॉल्ट कर चुका है या तो वो डिफॉल्ट करने वाला है, दैट्स वाई मतलब वो बॉन्ड्स आते हैं, मतलब यूजली डी कैटेगरी सी डी कैटेगरी के नहीं आते, ट्रिपल बी तक लिमिटेड होते हैं, ट्रिपल बी एंड डबल बी तक, राइट। सो जैसे जैसे क्रेडिट रेटिंग नीचे जाएगी रिस्क बढ़ता जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ओके, देयर आर मतलब बहुत सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड अवेलेबल है एंड वो यू कैन चूज एनीथिंग, मतलब अवेलेबल इन मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है। जैसे हाई यील्डिंग बॉन्ड्स, मतलब सबसे ज्यादा यील्ड देने वाले बॉन्ड्स होते हैं जिसकी यील्ड रेंज होती है 12-16% के आसपास का आपको रिटर्न्स मिल सकता है उसमें, बट देन अगर वो ले रहे हो तो उसमें आप सेफ्टी का और रिस्क का भी ध्यान रखना, क्योंकि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स का पॉलिसी इसमें भी बॉन्ड्स में भी ऑल्सो अप्लाइज। ओके, स्टेट गारंटीड बॉन्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था एपी है, यूपी है, जो स्टेट इंडियन स्टेट्स गवर्नमेंट इशू करती है वो है, बैंक बॉन्ड्स जो बैंक करती है, अगेन जी सेक बॉन्ड्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, फिर उसमें आगे आपके स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड्स मतलब ये होता है कि जो भी इनकम आप वो बॉन्ड से, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेमेंट जो आपको आएगा वो बॉन्ड से, ठीक है, दैट विल बी टैक्स फ्री, ठीक है, उस पर कोई टैक्स आपको भरने की जरूरत नहीं है। बट उसमें ऐसा होता है कि उसमें जो यील्ड आपको मिलती है विच इज वेरी लेस, अराउंड 5% के आसपास आपको यील्ड मिलती है, उसमें इनकम आपकी 5% ही होती है, तो अगर आप कैलकुलेट कर ले तो इट विल कम अराउंड 7% के आसपास बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करके आपको 5% के आसपास आपको रिटर्न बनेगा, ठीक है। तो परपेचुअल बॉन्ड्स भी होते हैं, सो व्हाट आर परपेचुअल बॉन्ड्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बॉन्ड टॉपिक, ओके, मतलब बॉन्ड टाइप। परपेचुअल बॉन्ड ये होते हैं जो जिसमें मैच्योरिटी नहीं होती बट कॉल ऑप्शन होता है, ठीक है। सो व्हाट इज कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन ये होता है कि कोई इश्यूअर बॉन्ड इश्यू करता है फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, बट उसको उसके पहले ही बाय बैक करना है, ठीक है, तो बीच में एक कॉल ऑप्शन होता है कि भाई 3 साल के बाद मैं वापस बाय बैक कर लूंगा, आपको पैसे वापस दे दूंगा। तो परपेचुअल बॉन्ड वो होते हैं जिसकी मैच्योरिटी नहीं होती बट कॉल ऑप्शन होता है कि ये डेट पे कंपनी वापस ले लेगी आपसे पैसा, वैसा तो कॉल ऑप्शन होता है, उसमें मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, तो उसमें यील्ड टू मैच्योरिटी नहीं बट यील्ड टू कॉल होता है, वैसा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जैसे कि अभी अभी वो 17 सितंबर के आसपास ही वो उसका इश्यू आया था वापस से, सो एवरी 3 मंथ्स, सॉरी एवरी 3 मंथ्स गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू करते हैं। सो इट इज डिजिटल गोल्ड के टाइप्स ही होते हैं, उसमें 5% का आपको रिटर्न्स मिलता है गोल्ड, 2.5% का रिटर्न्स मिलता है गोल्ड पे, प्लस जो कैपिटल गेन होता है गोल्ड पे, इफ इन केस अगर आप मैच्योरिटी तक रखते हो तो उसमें आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, ठीक है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी बॉन्ड का फेस वैल्यू 100 है, ये बॉन्ड आपको 95 रुपीज में भी मिल जाएगा, दैट इज नोन एज डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, मतलब वो उसमें हैवी डिस्काउंट होता है, ठीक है। सो ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है विच यू कैन सी इन द मार्केट। ओके, दिस आर द मेनली विच इज ट्रेडिंग एंड नोन टू एवरीवन। ओके, सो व्हाट यू नीड टू लुक, ओके, पर्टिकुलरली बॉन्ड में इफ यू आर बाइंग और इफ यू आर जस्ट रिसर्च कर रहे हो बॉन्ड के बारे में, तो आपको क्या क्या देखना चाहिए। ओके, पहले तो देखना चाहिए कि ये फिक्स्ड है या फ्लोटिंग में, दैट मीन्स उसका कूपन रेट फिक्स्ड है या फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मतलब वो चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द इश्यूअर एंड अकॉर्डिंग द मार्केट फ्लक्चुएशन। फिक्स्ड मतलब आपको फिक्स्ड ही है, वो चेंज नहीं होगा। फ्लोटिंग्स आर वेरी रेयर, फिक्स्ड ही होते हैं 90% सारे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, उसमें वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, ठीक है। तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में ये होता है कि अगर कोई बॉन्ड सिक्योर्ड है दैट मीन्स उसके अगर कोई इश्यूअर बॉन्ड इश्यू करता है और अगर वो सिक्योर्ड बॉन्ड इश्यू करता है दैट मीन्स उसके अगेंस्ट उसने कोलेटरल कुछ तो रखा है,
कोलेटरल मतलब या तो कोई प्रॉपर्टी रखी है या गोल्ड रखा है या कुछ गारंटी रखी है कि अगर मैं डिफॉल्ट किया तो ये चीज को बेच के आप सारे पैसे वापस इन्वेस्टर को दे सकते हो, सिंपल। ठीक है, रेटेड है या अनरेटेड है बॉन्ड्स? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, रेटिंग आपको देखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रिपल ए इज द हाईएस्ट रेटिंग, अगर उसे डबल ए बी ट्रिपल बी इज जा नीचे जैसे आओगे उतना रिस्क बढ़ते जाएगा। तो रेटेड है अनरेटेड है देख लेना, लिस्टेड है अनलिस्टेड। सो देर आर ऑल्सो अनलिस्टेड बॉन्ड्स विच आर ट्रेडेबल, ट्रेडेबल सारे बॉन्ड्स होते हैं बट अनलिस्टेड बॉन्ड्स भी होते हैं, बट माई सजेशन इज ओनली गो फॉर लिस्टेड बॉन्ड्स, जो आप इजिली आपके डीमेट आरामनी के डीमेट अकाउंट से आप सेल भी कर सकते हो, या यू कैन ट्रेड अगेन ऑन लिस्टेड। लिस्टेड बॉन्ड्स का ट्रेडिंग डायरेक्ट स्क्रीन से होगा, अनलिस्टेड का स्क्रीन से नहीं होगा। ठीक है, सो वो आपको ऑफ मार्केट करना पड़ेगा। परपेचुअल बॉन्ड्स जैसे कि मैंने आपको समझाया, जिसकी मैच्योरिटी नहीं होती बट कॉल ऑप्शन होता है फ्रॉम द इश्यूअर। ठीक है, टैक्स सेविंग है या टैक्स नहीं है। मार्केट लिंक बॉन्ड्स जो होते हैं, इज इट के वो मार्केट लिंक्ड है या मार्केट लिंक नहीं है, ठीक है, वो भी आपको देखना है। मार्केट लिंक्ड है तो वो फ्लक्चुएशन होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट्स। अगर मार्केट लिंक नहीं है विच इज गुड कि वो फ्लक्चुएशन नहीं होगा, वो फिक्स पे रहेगा एंड उसमें आपका रिस्क भी थोड़ा नॉमिनल रहेगा। टैक्स सेविंग है या टैक्स फ्री बॉन्ड है, जैसे कि अगर टैक्स फ्री बॉन्ड है जैसे मैंने बोला कि उस पे जो इंटरेस्ट आप अर्न करोगे वो उस पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, सीनियोरिटी वाइज ओके, सो इफ ये चीज आपको सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में देखनी है, अगर वो सिक्योर्ड है ठीक है तो कितना सिक्योर्ड है, हाउ इट इज सिक्योर्ड, वो सुपर सीनियर है, सीनियर सिक्योर्ड है या सबॉर्डिनेट और अनसिक्योर्ड है। ठीक है, सो दिस इज द फ्लो। जैसे कि सुपर सीनियर है तो उसको प्रायोरिटी रीपेमेंट जैसे होती है, जैसे कि शेयर्स में होती है। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जिसको प्रेफरेंस मिलता है रीपेमेंट के लिए, ठीक है, ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि सुपर सीनियर है या सीनियर सिक्योर्ड है या नॉर्मल सिक्योर्ड है, सबॉर्डिनेट, इवन नॉर्मल सिक्योर्ड में भी कोलेटरल होता है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि रीपेमेंट के बाद टाइम पे पहले सुपर सीनियर सीनियर को मिलेगा, सीनियर को मिलेगा, सिक्योर्ड को मिलेगा, वैसा। ठीक है, अभी ये जो बॉन्ड्स होते हैं ठीक है, मतलब वो इश्यू कैसे होते हैं, ठीक है, तो व्हाट आर द वेज? तो देयर आर ओनली टू वेज, प्राइवेट इश्यूएंस एंड पब्लिक इश्यूएंस। ठीक है, अभी पब्लिक इश्यूएंस मतलब नाम में ही इट्स लाइक इट इज फॉर जनरल पब्लिक, मतलब एनीवन कैन पार्टिसिपेट इन दैट इश्यू। ठीक है, वो लिस्टेड बॉन्ड्स ही होते हैं जो पब्लिक इश्यूएंस में होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन आर द पार्टिसिपेंट्स, मतलब एनीवन इज द पार्टिसिपेंट्स। वेयर एज अगर आप प्राइवेट इश्यू करते हो कोई भी, ओके, तो मेनली वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। ठीक है, ऑल्दो देर कैन बी चांसेस के किसी HNI ने या फॉर फैमिली ऑफिस ने या रिटेल ने भी पार्टिसिपेट किया हो, बट इट इज नॉट जनरल, इट इज नॉट जनरल, इट इज ओनली स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स, फॉर स्पेसिफिक इन्वेस्टर ओनली। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड लिस्टेड भी हो सकते हैं और अनलिस्टेड भी हो सकते हैं। अनलिस्टेड मेनली होते हैं बिकॉज दैट इज वाई कि वो प्राइवेट इश्यूएंस से आते हैं। मेनली यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही होते हैं जिसको प्राइवेटली डील करनी होती है फॉर विद वन ऑफ द इश्यूअर, कोई भी इश्यूअर के साथ। ठीक है, अभी लास्ट स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे कि आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ठीक है, व्हाई यू शुड इन्वेस्ट बॉन्ड। जैसे कि बॉन्ड्स में देर आर डिफरेंट टाइप, जैसे कि शॉर्ट टर्म आपका फाइनेंशियल गोल अचीव करना है या मिड टर्म या लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है तो बॉन्ड्स है। व्हाई? बिकॉज बॉन्ड्स में शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले होते हैं, मीडियम मतलब 3 to 5 years भी होते हैं, लॉन्ग टर्म 10-20 years के बॉन्ड्स भी होते हैं। ठीक है, जो अच्छा ये कर सकते हैं, आपको रिटर्न्स दे सकते हैं। सो एनी फाइनेंशियल गोल्स यू कैन फुलफिल बाय बॉन्ड्स। यू कैन डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने इक्विटी में डाल दिया, SIP में डाल दिया, गोल्ड में डाल दिया, अभी भी पैसे बचे तो लेट्स लेट्स कीप इट इन बॉन्ड्स। ठीक है, तो जहां से मुझे फिक्स्ड इनकम भी आ रही है। ठीक है, सो यू कैन यूज एज एन डाइवर्सिफाई एंड एज एन एज टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स एज इक्विटी, बिकॉज इक्विटी में कैसा होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन होता है कि कुछ न्यूज आ गई, ये हो गया वो हो गया, डेली आपको मॉनिटर करना पड़ता है। ओवर हियर इट इज फिक्स्ड और आपको पता है मैच्योरिटी में मुझे इतना मिलना है, सो इट इज वेरी इजी एंड इट इज स्टेबल एज वेल एज कम्पेयर टू इक्विटी, बिकॉज इतना मूवमेंट प्राइस में इतना मोमेंट नहीं आता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर प्री डिटरमाइंड रिटर्न है, जैसे कि
फिक्स्ड है और मुझे पहले से मालूम है कि मुझे 8% 10% है व्हाटएवर परसेंट आई एम गोइंग टू गेट दैट, ठीक है, तो मुझे फिक्स मिलने वाला ही है, ठीक है। सेफ्टी के इशू से भी आप देख लो कि इक्विटी में कैसा है कि प्राइस जीरो भी हो सकते हैं, यहाँ पर वैसा नहीं हो सकता है, राइट। तो इट इज ऑल्सो सेफ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो दिस आर द मेन रीजंस व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। So with this, we have completed our webinar. So we can open the floor for any Q&A, if any. So Pratham, if we have any questions, then from anyone, we can go ahead. And if not, then we'll wait for more 5 minutes. Or if anyone has question, you can put it in chat box. I'll read and I'll answer your question. Yes, Gajraj Singh, I think so. आपके पास सर, आपके पास कुछ क्वेश्चन है, सो प्लीज बोलिए। किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी के पास कोई क्वेश्चन है? आई थिंक सो जय सर। गुजरात सिंह ने हैंड रेस किया है। आप प्रथम जी नथिंग नथिंग नथिंग। आप सर, जैसे इसको कहाँ पे ट्रेड होता है, बाय करना हो तो कहाँ पे बाय होगा बॉन्ड? आप हेलो आइदर सर, मुझे या तो राजकुमार जी को फ्रॉम आर्मनी, आर्मनी की टीम है, उनको भी बात कर सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड चाहिए आपको, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल, आपको कौन से टाइप के बॉन्ड चाहिए, क्या मैच्योरिटी चाहिए, आपकी रिस्क क्या है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन आर्मनी की टीम को दे सकते हो या तो हमारे सपोर्ट पे भी कॉल कर सकते हो। डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट। और आपके जो भी बॉन्ड आएंगे वो आपके आर्मनी के डिमेट अकाउंट में आ जाएंगे। सर आपके आर्मी में डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं या? हाँ, आर्मनी में अकाउंट है आर्मी। हाँ सर, आपका एडवाइजर कौन है सर हमारे यहाँ? सर राम कुमार है। ठीक है सर, आपका क्लाइंट कोड क्या है सर? राम कुमार जी है, मैं उनसे बात कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। और किसी के पास कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क, प्लीज पूछिए। एनीवन, किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है? ओके, तो शायद हम हेलो, आज एक्सक्यूज मी, कर हेलो रहे हेलो, एक्सक्यूज मी। अभी ये प्रेजेंटेशन जो है वो मिस हो गया था, तो फिर से देखने को मिलेगा? हेलो, यस। तो ये प्रेजेंटेशन, यस सर, मैं वापस से दोबारा से ये कर देता हूँ आपको गो थ्रू, बट आपको मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा फ्रॉम बिगनिंग। आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी सर, अगर आप उसका, यस हाँ उसका रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर। तो कहाँ से मिल सकता है तो रिकॉर्डिंग? हाँ जी, रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगा सर? तो आपको हारमोनी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, और हम लोग आपको सेपरेटली भी प्राइवेटली भी शेयर कर देंगे। ओके, तो नंबर होगा मेरा आपके पास? हाँ, आप एक बार मुझे क्लाइंट कोड बता दीजिए। सर 6089 60 89 ठीक है सर। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। अच्छा धनंजय जी, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है गोल्ड बॉन्ड को हाँ लेकर, सोवरेन गोल्ड हाँ बॉन्ड। बोलिए। यस, हाँ, तो वो अगर किसी भी हमारे क्लाइंट को या किसी को भी परचेज करना है तो वो उसका क्या प्रोसेस है, क्योंकि वो तो हर एक क्वार्टरली जो इश्यू होते हैं वहां से ही कर सकते हैं, उसका कोई दूसरा वे आउट भी है?
नहीं वो वे आउट नहीं है, क्योंकि वो कैसा है कि सेकेंडरी में इतना फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं होता है, ठीक है, तो वो लोग मतलब सी आइडियल पर्पस टू बाय एसजीबी गोल्ड बॉन्ड यही होता है कि वो मैच्योरिटी तक रखे, सो दैट उनका उनका जो कैपिटल गेन है वो टैक्स फ्री हो जाए, ठीक है, तो वो एवरी 3 मंथ्स में जब इश्यू आता है तभी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे सितंबर में आ गया, अभी दिसंबर में भी आएगा, सो एवरी 3 मंथ्स में वो आता है इश्यूज का, यस, तो तभी हम आपको भेज देंगे डिटेल सारी चीज एंड देन यू कैन सर्कुलेट। तो उसमें आप कैसे हेल्प आउट करते हो सर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में? तो उसमें कैसा है कि डायरेक्ट इश्यूअर से हमारा ये कांटेक्ट होता है, सो आपको पेमेंट डायरेक्टली इश्यूअर को ही करता है, वी आर द अरेंजर्स, हम अरेंज करके देते हैं आपको सारा बॉन्ड्स एंड इसके इश्यूअर्स कौन होते हैं सर? सब, गवर्नमेंट मतलब आरबीआई से ही होता है। हाँ अच्छा, तो आपका हाँ हाँ यस, रेट तो सेम ही होती है सर, चाहे हाँ सेम आपकी सेम सेम, उसपे डिस्काउंट भी होता है सर, तो वो उस पे भी हम बात कर सकते हैं उसमें कैसा क्या अच्छा, मतलब जो जो ऑनलाइन रेट होते हैं उससे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी एसजीबी मिल सकता है? है। हाँ मिल सकता है, मिल सकता है, यस भाई यस, ठीक है। मतलब उसमें ज्यादा डिस्काउंट नहीं होता बट डेफिनेटली ऑनलाइन हाँ, प्राइस बड़ा भी अमाउंट होता है मिल, तो वो थोड़ा सा ही डिस्काउंट भी बहुत बड़ा होता है। यस यस, तो क्वांटम अगर बड़ा है तो यस डेफिनेटली वी कैन वर्क आउट। ठीक है, किसी और को भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ये बॉन्ड हम लोग ऑनलाइन इधर से परचेज कर सकते हैं क्या, आपका रघुनंदन मनी का वेबसाइट से, या आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा? हाँ वो मैं आपको सर एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार। बेसिकली क्या रहता है, एक्रोबुल्स हमारे पार्टनर हैं ये, और हाँ ये प्रोवाइड कराते हैं मतलब जितने भी तरीके के बॉन्ड होते हैं, ओके 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 तो मैं आपको एक बार बता दूंगा क्या प्रोसेस है उसका। मतलब श्योर श्योर, ओके थैंक यू। नॉर्मल जैसे शेयर्स बाई करते हैं उस तरीके का प्रोसेस नहीं है। हाँ अच्छा तो वो आपको मैं बता दूंगा इसका। ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू। ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है? ठीक है, थैंक यू धनंजय जी एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप सबको कुछ ना कुछ यहाँ से वैल्यू मिली हो इस वेबिनार से। यस थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू आर्मी टीम एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।